Assalamualaikum, dear students. I am starting lecture number 6. Before these lectures, we have covered 5 lectures in wireless networks. So in this lecture, we will cover some more topics. In this lecture, is a fresh topic, that is antenna and propagation. In the first part of this lecture, I will cover what is antenna. Antenna kya hai, hum isko kyun use karte hain aur iske types kya hai. So you will see this in this lecture. So what is antenna? एंटीना देखिए, आप लोगों एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप लोग देखते भी रहते हैं, आपके घर में एंटीनास होते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स पे जैसे लाइक वाई फाई डिवाइस पे होते हैं, अक्सर गाड़ियों के ऊपर एंटीनास लगे होते हैं. तो अभी एंटीना क्या है और इसका फंक्शन क्या है, सो यू विल सी ऑल दिस इन दिस लेक्चर. वॉट इज़ एंटीना? एंटीना इज इट कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और सिस्टम ऑफ कंडक्टर यूज्ड आइदर फॉर रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. देखिए, रेडिएशन क्या, रेडिएशन मीन्स सेंडिंग समथिंग, ओके, एमिशन ऑफ समथिंग. सो इट एमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और फॉर कलेक्टिंग दैट एनर्जी, या तो मतलब ये एनर्जी को रेडिएट करती हैं, इसको एमिशन करती हैं, सेंड करती हैं, या फिर इसको रिसीव करती हैं, ठीक है. फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी, यानी जब भी आप कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, सो रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी आपके सपोज आप अपने मतलब मोबाइल से कुछ डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, फ्रॉम द ट्रांसमीटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय द एंटीना. व्हाट एंटीना डज, एंटीना कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड रेडिएट इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और इसको जो है ना सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो है ना उसको सेंड कर देती है, इनटू एटमॉस्फेयर और स्पेस और इवन इन अ वाटर, ठीक. सो फॉर रिसेप्शन, अगर वो रिसीव करती हैं तो किस तरह करती हैं, फॉर रिसेप्शन ऑफ अ सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी इसके पास आती है इम्पेंगिंग, यानी इसके ऊपर जो मतलब फोकस होती है ऑन द एंटीना इज कन्वर्टेड इनटू रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी दोबारा इसको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं एंड फिट इनटू द रिसीविंग साइट, ओके. सो इसके दो पर्पज हैं, तो ये एमिशन करती हैं या फिर रिसेप्शन करती हैं. सो व्हाट इज रेडिएशन पैटर्न, अभी जो एमिशन होती है डेटा की, सेंडिंग होती है, तो इसके पैटर्न हमारे पास कौन से हो सकते हैं? एन एंटीना विल रेडिएट पावर इन ऑल डायरेक्शन, बट टिपिकली इट डज नॉट परफॉर्म इक्वली वेल इन ऑल डायरेक्शन. देखें, एमिशन तो ये मतलब हर तरफ करती हैं, लेकिन ख़ास पोर्शन यानी डायरेक्शंस में इसके इसका जो पावर है ना वो ज़्यादा होता है. ए कॉमन वे टू कैरेक्टराइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटेना इज रेडिएशन पैटर्न, ठीक है. तो इसका पैटर्न क्या होगा? एन आइसोट्रॉपिक एंटेना इज अ पॉइंट इन स्पेस दैट रेडिएट्स पावर इन ऑल डायरेक्शंस. ये इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, ये जो बीच में एक पॉइंट है, इट इज़ द एंटीना, ओके, लोकेशन इसकी यहाँ पे है, ये लोकेशन है. और आइसोट्रॉपिक मींस के इट विल एमिट पावर इन ऑल डायरेक्शंस, यानी पॉइंट ए बी सी इन ऑल डायरेक्शंस में ये एमिशन करती हैं. सो इट्स इसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक एंटीना और ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, इसके दो नाम है, आइसोट्रॉपिक एंटीना और ओमनी डायरेक्शनल एंटीना. सो ये जो एंटीना है ये सारे डायरेक्शन में इक्वली पावर को रेडिएट करती हैं. द एक्चुअल रेडिएशन पैटर्न फॉर द आइसोट्रॉपिक एंटीना इज अ स्फेयर विद एंटीना एट द सेंटर, यानी एंटीना सेंटर में होगा और स्फेयर में जो है ना ये इमिशन इसकी होती है ऑल डायरेक्शंस में. सो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक टू व्यू द ओमनीडायरेक्शनल और आइसोट्रॉपिक एंटीना. इसकी एग्जाम्पल अगर आपको मैं दे दूँ, सो लेट मी शो यू. यहाँ पे अगर आप देखें, जो मैंने लिंक दिया है इस स्लाइड में, इस लिंक को आप अगर कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के बाद आप इसको किसी भी ब्राउज़र में यहाँ पे पेस्ट करें, तो देन यू विल सी वन ऑफ द एग्जांपल, ओके. तो ये एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास जो रेड डॉट है, इट इज़ एन एंटीना, इट इज़ एमिटिंग इन ऑल द डायरेक्शंस इक्वली. इफ़ यू गो बैक, यू कैन सी मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एमिशन, ओके. So this is called isotropic antenna or omnidirectional antenna.
ओके, द सेकंड टाइप इज डायरेक्शनल एंटेना, यानी कुछ एंटीना जिस तरह होती हैं कि वो किसी मखसूस यानी एक ही तरफ जो है ना एक पूरे पावर से डाटा को ट्रांसमिट करती हैं। सो ये हमारे पास जो होती हैं, द पर्पज़ ऑफ दिस डायरेक्शनलिटी इज़ इम्प्रूविंग ट्रांसमिशन। एक देखिए, एक पर्पज़ जो है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि वाई डू वी प्रेफर डायरेक्शनल एंटेना, तो इसका एक फ़ायदा ये है कि ये किसी भी ट्रांसमिशन को फुल पावर के साथ जो है ना ट्रांसमिट करती हैं, एंड रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस। ठीक है, और इससे ये होगा कि जो इंटरफेरेंस होती है आसपास के डिवाइसेस से वो कम होती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये हमारे पास पूरा लोकेशन है, ये बीच में एंटेना है और इसका कवरेज एरिया है, लेकिन ये जो रेड डॉट्स में है, यू कैन सी हेयर ऑन वन डायरेक्शन के इस तरफ जो है ना, ये इसका पावर ज़्यादा है, या अगर इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में इसकी पावर ज़्यादा है और बाकी की तरफ में इसका जो पावर है ना वो कम है। एंटीना इज हेयर इन द सेंटर, इट इज़ द एंटीना ऑन द सेंटर। इन द नेक्स्ट स्लाइड इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर हम देखें, ये एग्जाम्पल अगर आप देखें, द मैन, यहाँ इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सो दिस स्पॉट इज कॉल्ड मैन लोब लोब, ये मैन लोब है इसका, ये जो एरिया है इसे कहते हैं हाफ पावर बीम विड्थ, HPBW, हाफ पावर बीम विड्थ। इस लोकेशन पे इसकी पावर जो होती है वो कम होती है, 50% तक कम होती है, लेकिन इस एरिया में इसकी पावर जो है ना वो ज़्यादा होती है। यानी ये जो एंटीना है यहाँ पे, इस एंटीना का इस डायरेक्शन में पावर ज़्यादा होगा, बाकी जो इस तरफ है इसका पावर कम होगा। सो द मेन लोब इज़ द मेन बीम ऑफ द एंटीना, इसका मेन बीम हमारे पास ये वाला है, वेयर मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एनर्जी रेडिएटेड बाय द एंटीना फ्लोज। नाउ व्हाट इज हाफ पावर बीम विड्थ, इज द एंगल इन विच रिलेटिव पावर इज मोर देन 50% ऑफ द पीक पावर। हमारे पास जो पीक पावर है यानी मेन लूप जो है, इसका तकरीबन 50% इससे ज़्यादा होगा इस लोकेशन पे। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास डायरेक्शनल एंटीना का एक कॉन्सेप्ट है। एंटीना टाइप्स, वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंटीनाज। ओके, सो द फर्स्ट टाइप इज डायपोल एंटीना। ओके, फर्दर डायपोल एंटीना के टाइप्स हैं हाफ वेव डायपोल और हर्ट्ज एंटीना एंड क्वार्टर वेव डायपोल। इसके ये हमारे पास दो टाइप्स हैं। सो फर्स्ट यू विल डिस्कस हाफ वेव डायपोल एंटीना। ये अगर आप देखें, व्हाट इज हाफ वेव डायपोल, एंड कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट कोलिनियर कंडक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये हमारे पास एक एंटेना है, ठीक है, तो हमारे पास ये दो कोलिनियर कंडक्टर्स होते हैं। ओके, कंडक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी जितना साइज इसका है और इतना ही साइज इसके, इस मतलब ये ब्रांच या इसे हम फीदर कह सकते हैं, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप, बीच में छोटा सा गैप है, तो ये हमारे पास एक एंटेना है। ठीक, ये यू कैन सी ऑल्सो हेयर, ये हमारे पास एक डायपोल और एक हमारे पास ये है, तो इसे हाफ वेव कहते हैं। अच्छा, इसको हाफ वेव क्यों कहते हैं, हाफ वेव इसलिए है कि ये हमारे पास एक वेव है, वेव लेंथ वन साइकिल है, यू नो दिस वेल नाउ, ये हमारे पास एक वेव लेंथ है एंड वी रिप्रेजेंट दिस वेव लेंथ बाई लेमडा। यहाँ पे यू कैन सी लेमडा इज हेयर, दिस इज द वेव लेंथ, ये हमारे पास लेमडा है, सो दिस इज द वन वेव लेंथ। अगर इस वेव लेंथ को हम हाफ कर दें तो हमारे पास हाफ वेव लेंथ जो है ना वो ये है, दिस इज द हाफ वेव लेंथ। तो ये जो एंटीना है ये जस्ट हाफ वेव को ही रिसेप्शन इसकी करता है, ठीक है, यानी फुल वेव की नहीं करता। तो इसकी जो, या अगर हम ये कहें कि इसकी जो लेंथ है इस पूरे एंटीना की, तो अगर हम इस पूरे साइकिल को हाफ करें, यानी ये पूरी लेमडा है, सो लेमडा डिवाइड बाई टू हमारे पास ये हाफ हो जाएगा, तो इसकी जो पूरी लेंथ है वो हमारे पास वेवलेंथ के हाफ की होती है। ठीक है, यानी अगर इसकी लेंथ सपोज हमारे पास है 40 सेंटीमीटर वेवलेंथ की लेंथ, तो इसको अगर हम हाफ करेंगे तो 20 जो है ना सेंटीमीटर पर इसकी लेंथ हो जाएगी, और ये हमारे पास हाफ वेवलेंथ की बराबर होगी। ओके, या इसको अगर हम देखें, इट इज इट्स लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ।
क्वार्टर वेव वर्टिकल और मार्कोनी एंटीना जो है हमारे पास वो कौन सी होती है? इट इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑटोमोबाइल, यानी हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स यानी जो गाड़ियाँ होती हैं इनके ऊपर हम इसको इस तरह एडजस्ट करते हैं वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। अक्सर गाड़ियों के ऊपर आप देखते रहते हैं। तो इसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास वेव लेंथ डिवाइड बाई 4, यानी इसकी लेंथ होती है, और नीचे यहाँ तक वायर आ चुकी होती है, आई होती है। सो द क्वार्टर मीन्स, क्वार्टर का मतलब क्या है? लेमडा डिवाइड बाई 4। इट इज वर्टिकल एंटीना, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्टिकल एंटीना। सो यू कैन सी सच काइंड ऑफ एंटीनास एवरीवेयर इन डेली लाइफ। अच्छा, पैराबोलिक, सॉरी, द फर्स्ट वन वाज डाइपोल, द सेकंड वन इज पैराबोलिक रिफ्लेक्टिव एंटीना, और सिंपली वी कॉल इट पैराबोलिक एंटीना। ए पैराबोलिक एंटीना इज बेसिकली इट इज इन द शेप ऑफ पैराबोला। इट इज एन एंटीना दैट यूजेस अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, अ कर्व्ड सरफेस विद द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ अ पैराबोला। देखिए, मैं इसको एग्जांपल अगर आपको दूं तो डिश एंटीना अगर आप लोगों ने कहीं घर में लगाया है, ये देखें, दिस इज द डिश एंटीना, या इसके जो शेप है वो हमारे पास यू मतलब होती है, तो इसे हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है, इस शेप को। सो वी कॉल्ड पैराबोलिक एंटेना। इसका जो सरफेस है वो हमारे पास कर्व्ड है, यानी वो इस तरह कोई कर्व सा बना हुआ है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज शेप्ड लाइक अ डिश। डिश एंटेना जो है ना, ये हमारे पास इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, एंड इट्स पॉपुलरली कॉल्ड डिश एंटेना और पैराबोलिक डिश एंटेना। द मेन एडवांटेज ऑफ अ पैराबोलिक एंटेना इज दैट इट हैज हाई डायरेक्टिविटी, यानी इसका डायरेक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी ये अगर सिग्नल को कैच करती है तो इसको एक खास डायरेक्शन में थ्रो करती है, तो ये हमारे पास होती है डायरेक्शनल एंटेना। इट फंक्शन सिमिलरली टू अ सर्च लाइट और फ्लैश लाइट, यानी अगर आप कोई फ्लैश लाइट ऑन करते हैं लाइक अ लेजर, तो ये इसका जो वो है डायरेक्शन वो फ्लैश लाइट की तरह होता है, रिफ्लेक्टर, यानी एक ही तरफ ये फ्लो करती है। टू डायरेक्ट द रेडियो वेव्स इन अ नैरो बीम, नैरो बीम बहुत ही मतलब नैरो बीम ये थ्रो करता है। नैरो बीम का मतलब ये है इफ आई से कि जब ये कोई मतलब सिग्नल वगैरह कैच करती है, इस तरह अगर आप एग्जांपल में देखें, यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ से आया, तो यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है ना इस LMB के अंदर ये रिसीव होती है किसी भी टेलीविजन को, ये हमारे पास केबल है, ओके। इट्स कॉल्ड अ नैरो बीम और रिसीव रेडियो वेव्स फ्रॉम वन पार्टिकुलर डायरेक्शनल वन। इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक एंटीना, डिश एंटीना है ये एक सिंपल सी एग्जांपल, अगर आप देखें तो ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। इट कैचेस द रेज और वेव्स एंड आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग इट विद द सर्फेस ऑफ दिस पैराबोलिक शेप, ये किसी भी LNB के अंदर जो है ना वो आ जाए। ना व्हाट इज LNB? इफ आई शो इट टू यू हेयर, LNB इज अ लो नॉइस ब्लॉक डाउन कन्वर्टर, ठीक है। ये हमारे पास एक रिसीविंग एंटीना या डिवाइस होती है जो सैटेलाइट से जो है ना वो चैनल्स वगैरह को भी उसको कैच करती है। इट कन्वर्ट्स देम टू अ सिग्नल विच इज सेंड थ्रू अ केबल टू अ रिसीवर, सिंस यानी रिसीवर के पास जो है ना थ्रू केबल ये पर जाती है। यू कैन सी द डिफरेंट शेप्स ऑफ LNBs हेयर, अगर आपके घर में सपोज कोई डिश है तो ऑल दीज आर द शेप्स ऑफ LNBs, ओके। हॉर्न एंटीना और फीड एंटीना, फीड एंटीना हमारे पास क्या है? द हॉर्न एंटेना डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक फ्लैट अपेयरेंस, ओके। सो इन दिस आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज फ्लैट पोर्शन। सो इफ यू गो टू द गूगल यू कैन सी हेयर, फ्लैट पोर्शन का मतलब क्या है कि व्हेन समथिंग एक्सपेंड्स, ओके, फ्रॉम टू वन साइड। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे टॉर्च आप देखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होती है एट फ्लेयर्स, ओके, यानी ये मतलब चौड़ी हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो
तो ये जो एन बीज वगैरह होती हैं ये भी हमारे पास इस शेप में आती हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द एंटेना। सो द फ्लैट पोर्शन कैन बी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें, ये हमारे पास देखें एक स्क्वायर फ्लैट बना हुआ है, किसी का मतलब सर्कल में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, किसी का रेक्टेंगुलर होगा, ये रेक्टेंगुलर आपके सामने है, ये स्क्वायर फॉर्म में है। सो दीज आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ द एंटेनास। हॉर्न एंटेना और फ्लैट एंटेना आर कॉमनली यूज एज एक्टिव एलिमेंट डिश एंटेना। डिश एंटेना में अगर आप ये एलएमबी को देखें तो एलएमबी इज वन ऑफ द फ्लैट पोर्शन ऑफ दिस एंटेना, और इसे हम फीड एंटेना भी कहते हैं। द यूज ऑफ अ हॉर्न और फीड एंटेना रादर देन डाइपोल एंटेना और एनी अदर टाइप ऑफ एंटेना एट द फोकल पॉइंट ऑफ अ डिश मिनिमाइज लॉस ऑफ एनर्जी। यानी इसको हम इस डिश में यूज़ करते हैं कि ये जो है ना वो एनर्जी लॉस इसमें बहुत कम होता है। ओके, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्टर के बिल्कुल सामने जो है ना हम अटैच करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एंटेना की टाइप है। एंड द लास्ट वन इज़ वेरिएबल एंटीना। आजकल अगर आप देखें तो आप लोगों वेरिएबल डिवाइसेस आई हुई हैं मार्केट के अंदर, ग्लासेस हैं, वेरिएबल ग्लासेस हैं, वेरिएबल वॉचेस हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, या वेरिएबल हेलमेट्स आप लोग मतलब पहनते हैं। तो इसके ऊपर भी एंटीना लगा होता है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है किसी भी मोबाइल फ़ोन के साथ या दूसरे डिवाइसेस के साथ। सो वेरिएबल एंटीनाज आर एसेंशियली एनी एंटीना दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू फंक्शन वाइल बीइंग वॉर्न। अगर हम इसको पहने तो वो काम करता है। एग्जांपल्स इंक्लूड स्मार्ट वॉचेस जो कि ब्लूटूथ के साथ काम करती हैं, ग्लासेस हैं कुकिंग ग्लास वगैरह, वाईफाई एंड एटसेट्रा के साथ वो काम करती हैं। एंड नाउ दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन द मार्केट। सो ये भी हमारे पास एक एंटीना की एक टाइप है। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एंटीना। सो दैट वॉज द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर आई विल एक्सप्लेन वॉट इज प्रोपेगेशन, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।